तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको 7 ऐसी कमाल की मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि फीमेल लीड होने वाली है, और इसमें आपको एक्शन, हॉरर, थ्रिलर जैसे जॉनरे की मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। ये सभी मूवीज़ एक से बढ़कर एक होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ये सभी मूवीज़ आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 7 की मूवी है द लास्ट सर्वाइवर्स, जो कि 2014 में आई एक साईफाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में हम देखते हैं ओरेगन नाम की एक ऐसी जगह जहां पर 10 साल से बारिश ना होने की वजह से वहां की धरती बंजर हो चुकी है, और जो लोग जिंदा बचे हैं वो पानी के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। अब ऐसे में कैंडल नाम की एक लड़की, जो कि एक बहुत बीमार लड़के के साथ एक पुराने से घर में रहती है, वो इतने खतरनाक लोगों के बीच कैसे सर्वाइव करती है, ये आपको इस मूवी में देखना है। ये एक कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, जो कि आपको ये एहसास दिलाने में कामयाब होती है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये एक फन टू वॉच फिल्म है, जिसे आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इसे IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 की मूवी है P2, जो कि 2007 में आई एक क्राइम हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में हम देखते हैं एंजेला नाम की एक लड़की को, जो कि क्रिसमस में देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, और जब वो अपने घर जाने के लिए कार पार्किंग में जाती है तो उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद उसे वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड किडनैप कर लेता है, और उसके बाद वो एंजेला के साथ क्या कुछ करता है और क्या एंजेला वहाँ से बचकर भाग पाती है, ये आपको इस मूवी में देखना है। इसमें आपको एक्ट्रेस की काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और मूवी की प्रेजेंटेशन भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती, बल्कि आप ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ ना ही देखो तो अच्छा है, और इसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 की मूवी है बैकी, जो कि 2020 में आई एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। अगर बात करें इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी में हम देखते हैं बैकी के कैरेक्टर को, जो कि 13 साल की है, और वो बहुत ही चालाक और गुस्सैल किस्म की लड़की है, जिसके बाद हम कहानी में देखते हैं जेल से भागे हुए 4 मुजरिम बैकी के घर पर हमला कर देते हैं। अब वो मुजरिम बैकी के घर पर हमला क्यों करते हैं और जिसके बाद बैकी क्या करती है, ये आपको इस मूवी में देखना है। मूवी में आपको बहुत सारा ब्लड और वायलेंस देखने को मिलता है, जो कि एक 13 साल की बच्ची कर रही है। मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती, सब कुछ इतना अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कि आपको इसे देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप इसे अपनी फैमिली के साथ मत देखना। इसे IMDb पर 6.0 की रेटिंग मिली है, और इसका 2023 में एक सीक्वल भी आया है द रेथ ऑफ बैकी नाम से, जिसमें आपको पहले पार्ट के मुकाबले एक लेवल आपकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 की मूवी है इन्फ्लुएंसर, जो कि 2022 में आई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, तो स्टोरी में हम देखते हैं मेडिसन नाम की एक लड़की को, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और वो व्लॉग्स वगैरह बनाती रहती है और अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। वो एक बार थाईलैंड में अकेले घूमने जाती है, जिसके बाद उसे वहाँ एक लड़की मिलती है CW नाम की, और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि CW उसे एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ देती है जहाँ पर दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद मेडिसन खुद को बचाने के लिए क्या करती है और CW मेडिसन के साथ ऐसा क्यों करती है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। मूवी का जो कॉन्सेप्ट है और जो सस्पेंस इसमें डाला गया है और जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, वो आपको अपने साथ कनेक्ट करके रखती है, और AI हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये आपको इस मूवी में दिखाया गया है। इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और इसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 की मूवी है X, जो कि 2022 में आई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में हम देखते हैं एक यंग फिल्म मेकर्स का एक ग्रुप, जो कि एडल्ट फिल्म की शूटिंग के लिए टेक्सास के एक विलेज में जाते हैं, और वहाँ जाकर उनकी मुलाकात एक ओल्ड कपल से होती है। लेकिन उन लोगों की जान तक खतरे में पड़ जाती है जब वो ओल्ड कपल उन्हें एडल्ट फिल्म की शूटिंग करते हुए देख लेता है। अब आगे उन लोगों के साथ क्या कुछ होता है, ये आपको इस मूवी में देखना है। मूवी में आपको बहुत से न्यूड सीन्स और ब्रूटल क्लीन सीन्स देखने को मिलते हैं। ये एक स्लैशर फिल्म है, जिसका एग्जीक्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, और जो टेंशन और डर का माहौल ये मूवी क्रिएट करती है, उसे देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसे फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना। इसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 की मूवी है पर्ल, जो कि 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा मूवी है। ये फिल्म प्रीक्वल है एक्स मूवी का। अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में हम देखते हैं पर्ल नाम की एक लड़की को, जो कि अपने माता पिता के साथ रहती है, क्योंकि उसका पति World War I की जंग में गया होता है। अब जो पर्ल है, उसको डांस करने का शौक होता है और वो एक स्टार बनना चाहती है, पर उसकी माँ उसे ये सब करने से मना करती है, जिसके बाद पर्ल आगे जाके क्या कुछ करती है, ये आपको इस मूवी में देखना है। ये एक डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है, जो कि आपको थोड़ा बहुत स्लैशर एलिमेंट भी प्रोवाइड करती है। मूवी बहुत इंटेंस स्टोरी के साथ आगे बढ़ती है, जो कि आपको अपने साथ कनेक्ट करके रखती है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना। इसे IMDb पर 7.0 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 की मूवी है फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा,
जो कि 2024 में आई एक साईफाई एक्शन एडवेंचर मूवी है, जो कि प्रीक्वल है 2015 में आई मैड मैक्स फ्यूरी रोड का। और अगर बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में हम देखते हैं फ्यूरोसा नाम की एक लड़की को, जिसे ग्रीनलैंड से कुछ लोग उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद उस बच्ची के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो लड़की अपने घर वापस जा पाती है, ये आपको इस मूवी में देखना है। अगर आपने इसकी पहली फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड नहीं देखी है, तब आप इसे फर्स्ट पार्ट की तरह देख सकते हो, क्योंकि ये उस मूवी से पहले की स्टोरी है। इसमें आपको कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसे देखने में आपको काफ़ी मजा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो भाई, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।